गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग शुक्र के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था बताई गई है उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनकी योग्यता, उनके दायित्व, उन पर नियंत्रण, इनके बारे में हमने बात की थी। अब जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उस प्रशासनिक व्यवस्था में जो कार्मिक लगाए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और शुक्र एक ऐसे प्रोग्रेसिव विचारक हैं जिन्होंने एंशियंट टाइम्स में, मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में माना जाता है उन्हें, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में होते हुए भी उन्होंने एक प्रोग्रेसिव प्रशासनिक व्यवस्था अपने ग्रंथ में शुक्र नीति में बताई, जिसमें प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, उनका वेतन, वेतनमान व वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अधिलाभ व ग्रेचुटी, भविष्य निधि, पेंशन व पारिवारिक पेंशन, अवकाश आदि के विषय में बहुत ही विस्तार से समझाया है। और अगर हम आज देखें या वर्तमान जो लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक राज्य हैं जिनका लोक कल्याणकारी स्वरूप है, वहाँ पर भी हम इसी तरह की प्रशासनिक और कार्मिक व्यवस्था की देखते हैं। प्रशासनिक और कार्मिक व्यवस्था की स्थापना की गई है और शुक्र ने एंशियंट टाइम्स में ये प्रशासनिक व्यवस्था दी थी। ये उनका राजनीतिक चिंतन को बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था को शुक्र ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है और उन्होंने ये कहा है कि कार्मिक व्यवस्था जो है वो कार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष, उन विभिन्न पक्षों के ऊपर जो कार्मिक व्यवस्था या प्रशासन में जो कार्मिक व्यवस्था होती है उस कार्मिक व्यवस्था में जो लोग लगे होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्मिक कर्मचारी कार्य करते हैं, उनसे संबंधित समस्त जो विषय हैं उन समस्त विषयों को उन्होंने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की। राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि एक सामान्य आचार संहिता का वर्णन किया गया है और पृथक पृथक पद, अलग अलग पदों हेतु निर्धारित विशिष्ट आवश्यक योग्यताओं को धारण करने के अतिरिक्त समस्त राज्य कर्मचारियों से आचरण के कुछ सामान्य नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है। शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों द्वारा सत्य, परोपकार व आज्ञा पालन के गुणों को धारण करने पर विशेष बल दिया गया है। शुक्र नीति में हिंसा में प्रवृत्ति, असत्य भाषण के अभ्यास आदि कार्मिकों के दुर्गुण माने गए हैं और इस तरह के दुर्गुणों से युक्त जो कार्मिक होते हैं उनको सेवा से अलग या सेवा से पृथक करने का भी परामर्श दिया गया है। शुक्र नीति में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों से कथन व आचरण में अवसर की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है। राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सफाई संबंधी बातों पर समुचित ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों से उनकी नियुक्ति के स्थान पर स्थित रहने तथा अहंकार को त्याग कर पूरी योग्यता से, ये अपनी पूरी क्षमता से अपने दायित्वों को संपन्न करने के लिए आह्वान किया है, एक तरह से अपील की है। शुक्र नीति में राजा की इच्छा के विपरीत भी उचित व कल्याणप्रद बात को राजा के समक्ष निर्भीकतापूर्वक कहने की योग्यता व सामर्थ्य को राज्य कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक माना गया है। शुक्र कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने कार्यों का निपटारा जल्दी से जल्दी करें तथा जनता को उनके कार्यों के लिए बार बार समय देकर परेशान ना करें। शुक्र कर्मचारियों से राजकीय कार्यों की गोपनीयता का निर्वाह करने की भी अपेक्षा करते हैं। उन्होंने राजकीय कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवाद करें तथा एक दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करें। शुक्र राजकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के राजकीय कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहने का निर्देश देते हैं और वे कहते हैं कि कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करने वाले कर्मचारियों को ग्रंथ में श्रेष्ठ कार्मिक भी बताया गया है। और जो निम्न गुण हैं जैसे सत्य भाषण, सुशीलता, उत्तम कार्यों में रुचि, आलस्य रहितता,
राजकीय कार्य को निजी कार्य से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति, केवल वेतन से ही संतुष्टि, मधुर भाषा, कार्य में दक्षता, पवित्र चित्त, स्वामी को अन्याय के पथ पर चलने से रोकने की प्रवृत्ति, स्वामी के दोषों को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करना, दूसरे के अधिकार को प्राप्त करने की लालसा न होना, सबके साथ समानता का व्यवहार, प्रसन्नचित स्वामी के अनुचित कार्यों को एकांत में सूचित करना आदि ऐसे गुण हैं जिनसे युक्त कार्मिक को श्रेष्ठ कार्मिक माना जाता है। और इन गुणों से विपरीत जो आचरण वाले कार्मिक होते हैं उनको निकृष्ट माना गया है, और निकृष्ट के लिए दंड का प्रावधान है और श्रेष्ठ के लिए पारितोषिक का भी प्रावधान शुक्र के द्वारा किया गया है। वेतन, वेतनमान व वेतन वृद्धि की बात करते हुए शुक्र ये कहते हैं कि उनको एक निश्चित वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है, और वे वेतनमान के निर्धारण के लिए तीन आधारों का उल्लेख करते हैं, कार्यमान, कार्यकरण और कालमान। कार्यमान कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, कार्यकरण कार्य तथा काल के संयुक्त प्रमाणानुसार दिया जाने वाला वेतन, और कालमान में काल के परिमाण के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। शुक्र शासक को परामर्श देते हुए कहते हैं कि वह कार्मिकों के वेतन को बीच में ना तो रोके और ना ही वेतन के भुगतान में विलंब करे, क्योंकि एक जो कार्मिक है उसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, और अगर उसे समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और वो राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए स्वयं के हितों के कार्य करना शुरू कर देगा। इस प्रकार वेतन की मात्रा के अधिकार पर ग्रंथ में चार प्रकार के वेतनमानों का उल्लेख किया गया है। श्रेष्ठ, ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कर्मचारी पर आवश्यक रूप से आश्रित व निर्भर अन्य व्यक्तियों का भी भरण पोषण हो सके। मध्य, ऐसा वेतनमान होता है जिसमें कर्मचारी को इतना वेतन प्राप्त होता है कि उससे कार्मिक पर आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण आवश्यक रूप से हो सके। सम वेतनमान ऐसा वेतनमान होता है जिससे प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक के परिवार की केवल अनिवार्य जैसे भोजन आदि आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो सकती है। और हीन वेतनमान ऐसा वेतनमान होता है जिससे प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक का केवल स्वयं का भरण पोषण हो सकता है। शुक्र नीति में कहा गया है कि कार्मिक के द्वारा योग्यता व अनुभव के अर्जन के साथ क्रमशः हीन से श्रेष्ठ वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि कार्मिक का न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए कि उस पर आश्रित व्यक्तियों का सरलता से भरण पोषण हो सके। शुक्र चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अत्यंत कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शासन से असंतुष्ट हो जाते हैं और राजकीय कार्यों की अपेक्षा अन्य कार्यों में रुचि लेने लगते हैं ताकि वे अपना पेट भर सके और अपने ऊपर आश्रितों का पेट भर सके। ऐसे कर्मचारियों की शासक के आचरण में दोष ढूंढने व प्रजा से अन्यायपूर्वक धन वसूल करने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए जो कार्मिक काम करते हैं कम से कम राजा को उन्हें पूर्ण वेतन देकर संतुष्ट रखना चाहिए। पदोन्नति की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति की जानी चाहिए, और यह व्यवस्था भी की गई है कि जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ हो जाए तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। शुक्र के अनुसार किसी कार्मिक को क्रमशः पदोन्नति प्रदान करते हुए उसे अंततः विभाग के प्रधान के पद तक नियुक्त किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने निचले स्तर से शुरू किया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में शासक को ये चाहिए कि उसकी समय समय पर उसके कार्य के अनुसार उसकी पदोन्नति करें और पदोन्नति करके उसकी प्रशंसा भी करें। अधिलाभ, बोनस व अनुतोष, ग्रेचुटी की बात करते हुए शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों को बोनस और ग्रेचुटी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। शुक्र नीति में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शासक प्रतिवर्ष कर्मचारियों को एक पखवाड़े का वेतन बोनस के रूप में प्रदान करेगा और बोनस के अतिरिक्त वेतन का अष्टमांश
कर्मचारियों के प्रतिवर्ष अनुतोष के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। मतलब हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए अधिलाभ व बोनस व ग्रेचुटी की व्यवस्था की जाती है, तो शुक्र ने भी अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिए, खुश रखने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से राज्य के प्रति अपना, मतलब आप राज्य के प्रति अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अपने परिवार की तरफ से, अपने परिवार के पालन पोषण की तरफ से वो राज्य की ओर से संतुष्ट रहे। भविष्य निधि पेंशन व पारिवारिक पेंशन की बात करते हुए शुक्र ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान किया है। शुक्र नीति में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने राजकीय सेवा में 40 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया हो, उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि ऐसे कार्मिकों को आधा वेतन पेंशन के रूप में आजीवन प्रदान किया जाना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि पेंशन के अतिरिक्त पेंशन की आधी राशि कर्मचारियों के बालकों के भरण पोषण के लिए तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे स्वयं कार्य करने योग्य न हो जाएं। भरण पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली इस राशि का पात्र कार्मिक की पत्नी व अविवाहित कन्या को भी माना जाता है। कि शुक्र ये कहते हैं कि 40 वर्ष तक अगर किसी व्यक्ति ने सेवा कर ली है तो फिर उसे सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी सेवा में आने का अवसर मिले और उन्हें आधी जो उनकी वेतन था उसका आधा वेतन उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो पेंशन जो मतलब उसके ऊपर आश्रित है, उन आश्रितों को और अगर उसकी बेटी अविवाहित है तो उसको भी वो पेंशन दी जानी चाहिए। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की है और उन्होंने बताया है कि राजकीय कार्य को संपन्न करने के दौरान किसी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाए तो कर्मचारी की मृत्यु के समय उसे प्राप्त हो रहे वेतन के बराबर राशि का भुगतान उसके पुत्र को तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि वह स्वयं कार्य करने योग्य न हो जाए। तो इस प्रकार शुक्र ने बहुत ही आगे की सोचते हुए कर्मचारियों के लिए, उनके परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। और वो ये भी कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गए कर्मचारी के पुत्र के योग्य होने पर उसके गुणों के अनुसार उपयुक्त वेतन निर्धारित करके उसको राजकीय सेवा में भी शामिल कर लेना चाहिए। शुक्र नीति में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की व्यवस्था किए जाने पर भी बल दिया गया है। ग्रंथ में यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारियों के वेतन का षष्ठांश या चतुर्थांश काटकर राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए और कुछ वर्षों की अवधि के उपरांत यथा अवसर इस प्रकार एकत्रित राशि को पूर्ण या आंशिक रूप में कर्मचारियों को वापस दे दिया जाना चाहिए। मतलब शुक्र ये कहते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसके लिए भविष्य निधि की बात करते हैं कि कर्मचारियों को जब वेतन दिया जाता है तो उस वेतन को दिए जाने के समय उनका कुछ पैसा भविष्य निधि के रूप में जमा कर लेना चाहिए और भविष्य निधि के रूप में जमा करके थोड़े टाइम बाद या फिर जब वो रिटायर होता है तब उसे दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके। शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों को ऊपरी मतलब थोड़े थोड़े समय के पश्चात और विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य से अवकाश प्रदान किए जाने की आवश्यकता भी बताई गई है। वे इस संबंध में विस्तृत नियमों का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि राजा उत्सव आदि के दिन कर्मचारियों से कोई कार्य नहीं करवाए। यदि कोई कार्य अत्यधिक आवश्यक हो तो उत्सव वाले दिन भी कार्य करवाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन श्राद्ध के दिन कार्मिक किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाए। कार्मिकों को प्रतिदिन निश्चित अंतरालों पर अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें सवेतन व अर्धवेतन अवकाश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। शुक्र नीति में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष तक राजकीय सेवा की हो, उन्हें अस्वस्थता की अवस्था में कार्य न कर पाने की स्थिति में कार्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए 3/4 वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्वस्थता के कारण अवकाश पर रहे तो उसे 1 वर्ष के पश्चात की अवधि में 1/4 वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि उपयुक्त सामान्य सिद्धांतों के होते हुए भी अस्वस्थता के कारण अवकाश के दौरान किसी कर्मचारी को कितना वेतन प्रदान किया जाए,
इसका निर्धारण उस कर्मचारी की अस्वस्थता की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी लंबे समय तक अस्वस्थता के कारण अवकाश पर रहे तो उस अवधि के दौरान उसे आधा वेतन प्रदान किया जाना चाहिए, और शुक्र एक सप्ताह तक की अस्वस्थता की स्थिति में कर्मचारी को पूर्ण वेतन पर अवकाश दिए जाने का प्रावधान करते हैं। यदि कोई कार्मिक एक वर्ष तक के अवकाश पर हो तो शुक्र ये कहते हैं कि वह अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को राजकीय सेवा में नियुक्त कर दे। साथ ही शुक्र नीति में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सुयोग्य कर्मचारी अस्वस्थता अथवा रोग के कारण राजकीय सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है तो उसे सेवा से पृथक कर दिया जाना चाहिए तथा उसे नियमित रूप से आधा वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था और शुक्र की कार्मिक व्यवस्था को पढ़ने के बाद बच्चों ये अनुमान लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में शुक्र ने इतना आगे बढ़कर व्यक्तियों के लिए, प्रशासन के कार्मिकों के लिए सोचा, और यह व्यवस्था कार्मिकों के हित में तो है ही, साथ ही राज्य के हित में भी है, क्योंकि एक राज्य में प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी जो राजा के कार्य करने के लिए अनिवार्य हैं, वो जितने संतुष्ट होंगे, जितने खुश होंगे, उतना ही राज्य के प्रति वो अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे, राज्य के प्रति अपनी अच्छी से अच्छी सेवाएं वो देंगे, क्योंकि राज्य के द्वारा उन्हें सभी तरह के लाभों को प्रदान किया गया है। यदि व्यक्ति बीमार है तो भी उसे पेंशन वेतन मिलेगा, यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए बीमार, मतलब हर तरह की सिचुएशन के लिए, हर तरह की परिस्थिति के लिए शुक्र ने इस प्रकार के नियमों का निर्धारण किया है, जिससे राज्य में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के कष्ट ना हो, और किसी भी राज्य का कर्मचारी, अधिकारी, वहाँ की जनता जितनी प्रसन्न होगी उतना ही वो राज्य आगे की ओर अग्रसर होगा, उतना ही वो राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। और शुक्र नीति की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र ने इतने पुराने समय में, इतने एंशियंट टाइम में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की बात की है जबकि राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती थी, राजतंत्रात्मक शासन थे, शासन की समस्त शक्ति राजा के पास थी, लेकिन फिर भी इतने बेहतर तरीके से शुक्र ने शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया और शासन की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की है। तो इस प्रकार हम शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं शायद हर क्लास में आप लोगों को यही बताती हूँ। अगली क्लास में मैं आप लोगों को शुक्र की न्याय, न्यायपालिका व दंड से संबंधित विचारों के बारे में समझाऊंगी, और मैं आप लोगों को इसका मतलब, अब तक हम तीसरा थिंकर पढ़ रहे हैं, इस तीसरे थिंकर के बाद में मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगी, और अपेक्षा करती हूँ कि आप लोगों को जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखें और मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। धन्यवाद।